आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जब दो वायर स्ट्रेट वायर है, हमारे पास दो समांतर धारावाहिक कोई चालक तार स्ट्रेट वायर है, यदि इनमें जब धारा की दिशा समान होती है, एक दिशा में होती है, तब तो इनके मध्य जो आकर्षण बल लगता है ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब धारा की दिशा विपरीत हो जाती है तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं या रिपल्सिव करते हैं। ये क्यों होता है? अब देखिए इनका जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह हम समझ सकते हैं। तो देखिए आपको पहले ये भी बता दें कि एक जो रेस्ट चार्ज होता है, रेस्ट चार्ज वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो मूविंग चार्ज होता है, मूविंग चार्ज वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। तो देखिए और इससे पहले आपको ये भी बता दें कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है F बराबर Q E, जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, और जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स होता है F = Q V×B। ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स होता है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। अब देखिए इन कॉन्सेप्ट को हम काम में लेंगे, किस तरह एक स्ट्रेट वायर में हम डायरेक्शन बताएंगे, धारा मार्ग आकर्षण हो गया प्रतिकर्षण। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, ये दूसरा स्ट्रेट वायर है, इसमें धारा की दिशा समान रहेगी इस डायरेक्शन में है। जब धारा की दिशा दोनों में समान है तो उन दोनों के मध्य आकर्षण बल लगता है। अब देखिए किस तरह लगता है, यहाँ पर जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? आपको मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए। तो जो हमारा राइट हैंड रूल है, करंट की दिशा में आपको जो अपना थंब वो करना है, और फिर आप जब अंगुलियों को इधर कर्ल करोगे तो इधर इनसाइड डायरेक्शन आएगी, इधर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड को हम क्रॉस से डिनोट करते हैं, और जो हमारा इनकमिंग होता है उसको हम इस डॉट से डिनोट करते हैं। तो इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड है, इनसाइड जैसे इस बोर्ड के अंदर, और ये इस वायर के नज़दीक है, और उसके बाद ये थोड़ा वीक है। और इधर देखिए, और जो ये वायर है और इधर आउटसाइड, तो आउटसाइड है, यहाँ पर आउटसाइड है, तो ये आउटसाइड हो गया। और यहाँ पर ये वीक हो जाएगा, और यहाँ पर, और यहाँ पर और भी वीक हो जाएगा। तो ऐसे हम अब देखिए, ये है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है बाई फर्स्ट वायर। इस वायर के कारण जैसे कि I1 फ्लो रही है इसमें, इसमें I2 है, तो जो हमारा फर्स्ट वायर है उसके कारण इस पर, यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो है। अब देखिए इधर जब करंट फ्लो रही है तो चार्ज भी फ्लो रहा है, चार्ज फ्लो रहा है, उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। अब देखिए, अब आपको लगना फोर्स वाला फॉर्मूला, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो होता है F = Q V×B। तो चार्ज, तो V×B वेलोसिटी, जो चार्ज फ्लो रहा है वो किस डायरेक्शन में है? वो नीचे की साइड में। अब देखिए ये हमारा चार्ज हो गया, ये चार्ज है, चार्ज की जो डायरेक्शन है वो ये नीचे की तरफ है, और जो हमारा B है ये तो हो गया हमारा डायरेक्शन चार्ज की। अब देखिए जो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या, इनसाइड है आउटसाइड? आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है फर्स्ट वायर के अगर, वो यहाँ पर है आउटसाइड। तो आप ऐसे इन जब अंगुलियों को आउटसाइड कर्ल करोगे तो जो अंगूठा है वो फोर्स की डायरेक्शन को डिनोट करेगा। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा? ये हमारे फोर्स की डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये वेलोसिटी की थी, चार्ज डाउनवर्ड फ्लो रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज वो नीचे की तरफ है। तो आप जब अंगुलियों को कर्ल करोगे तो ये अंगूठा है वो फोर्स की डायरेक्शन को डिनोट करेगा। अब देखिए इस जो हमारा सेकंड वायर है उस पर फोर्स लग रहा है इनसाइड, ये हो गया। अब देखिए, अब हम फिर से इसको, अब ये याद रखना, अब हम फिर से जो हमारा सेकंड वायर है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो देखेंगे किस तरह प्रोड्यूस होगा।
तो ये हमारा फर्स्ट वायर था, इसमें करंट आई फ्लो हो रही थी, ये सेकंड वायर था। अब देखिए ये सेकंड वायर है, सेकंड वायर पर हमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ज्ञात करनी है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए। तो जो हमारी आई ये जो करंट आई टू, इस वायर के कारण जो एक करंट, अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्योंकि यहाँ पर चार्ज फ्लोर है, चार्ज यदि स्टेशनरी होता तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि चार्ज है, जो हमारे चार्ज है वो फ्लो रहा है, तो चार्ज फ्लो होने के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किस तरह होगी यहाँ पर, अब देखिए ये हमारी करंट की डायरेक्शन अंगूठा, ये रहा करंट की डायरेक्शन, अब अंगूलियाँ हैं वो हमें मैग्नेटिक फील्ड बताएगी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड या आउटसाइड। तो अब ये इनसाइड, यहाँ पर इनसाइड होगा और इधर आउटसाइड, इधर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनसाइड होगा और इधर आउटसाइड होगा। आउटसाइड का मतलब क्या हुआ, इनसाइड मतलब ये तो बोर्ड के अंदर की तरफ है, जैसे ये अंदर जा रहा है और ये बाहर ऐसे आ रहा है, ये आउटसाइड, और यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक होता चला जाएगा। ये हो गया, अब देखिए यहाँ पर ये आई वन करंट की डायरेक्शन है, यहाँ पर ये अब ये जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, ये आई टू वायर के कारण हुआ है, आई वन अब मैग्नेटिक फील्ड में है जो कि आई टू वायर के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखना ये आई टू वायर है, अब यहाँ पर आप लगाइए ये चार्ज वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है डायरेक्शन वो है नीचे की तरफ, वेलोसिटी इस जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज वो डाउनवर्ड है। अब देखिए ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनसाइड, ये इनसाइड है, तो आप ये यहाँ पर रखिए ये जो अंगुलियाँ हैं वो वेलोसिटी को डिनोट कर रही है, अब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है तो इनसाइड कर कीजिए अंगुलियों को। अंगूठा किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, ऑफकोर्स ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, ये जो अंगुलियाँ हैं अब देखिए अब रखिए ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये फोर्स की डायरेक्शन, अब अंगुलियाँ हैं वो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड है, तो इनसाइड कर्ल कीजिए, ये इधर फोर्स आएगा तो ये हमारा फोर्स इधर आ गया, और इस इधर फोर्स जो एफ है आई आई वन वायर के कारण फोर्स इधर लगता है लग रहा है, और जो आई टू वायर है उसके कारण इधर, तो इन दोनों के बीच में होगा अट्रैक्शन। तो जब करंट सेम होती है तो ये जो दोनों वायर है उनके मध्य अट्रैक्शन बल फोर्स लगता है। अब देखिए यदि जो हमारी करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाए, अब देखना वो क्या होगा। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट वायर, फर्स्ट वायर है, इसमें करंट आई वन डाउनवर्ड है और ये करंट आई टू अपवर्ड है। अब देखिए इसमें क्या होगा, वहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा था, अब देखिए यहाँ पर रिपल्सन कैसे लगता है, ये आई टू है इसके कारण अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड होगी आउटसाइड, आपको कैलकुलेट करना। तो देखिए आई टू आई वन इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इधर इनसाइड और यहाँ पर आउटसाइड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हो गया, ये आउटसाइड हो गया, और यहाँ पर वीक होता चला जाएगा, ये एल स्पेस ऑल स्पेस में प्रोड्यूस होगा। तो ये अब देखिए ये जो हमारा सेकंड वायर है वो फर्स्ट वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसके अंदर है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा, अब देखिए फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एफ क्यू वी क्रॉस बी, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है चार्ज की जो फ्लो हो रहा है उसकी जो वेलोसिटी है, वो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमें फोर्स की डायरेक्शन देगा। अब देखिए ये हो गया आई टू करंट ऊपर जा रही है, तो चार्ज किस डायरेक्शन में हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब देखिए ये हमारे पास ये जो अंगुलियाँ वो वेलोसिटी ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज बता रही है, ये वेलोसिटी हो गया, अब मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है बाहर है, तो आप अंगुलियों को बाहर की डायरेक्शन में कल कीजिए, डायरेक्शन किधर आई, अंगूठा हमें फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है, ये वेलोसिटी, अब जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है वो आउटसाइड है, तो ये डायरेक्शन उधर है, तो इधर फोर्स ये लगा, ये फोर्स लगा है फर्स्ट वायर के कारण सेकंड पर। अब देखिए हम जो हमारी सेकंड वायर है उसके कारण क्या होता है, देखिए सेकंड वायर में जो करंट की डायरेक्शन होगा अपवर्ड, तो अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए आई, अंगुलियों को कर्ल कीजिए, तो यहाँ पर तो इनसाइड होगा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड होगा, और ये वीक होता चला जाएगा। और अब देखिए यहाँ पर ये डायरेक्शन बता रहा है, यहाँ पर जो ये रीजन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड की
जो सेकंड वायर के कारण प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ और ये यहाँ पर ये होता चलेगा। अब देखिए ये फर्स्ट वायर है और जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो हुआ है सेकंड वायर के कारण। अब सेकंड वायर जो फर्स्ट वायर है वो सेकंड वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर है, तो उस पर फोर्स लगेगा। फोर्स क्या होगा, एफ इक्वल टू वी क्रॉस बी। तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में चार्ज की जो वेलोसिटी, चार्ज डाउनवर्ड फ्लो रहकर तो चार्ज भी डाउनवर्ड आ रहा, तो ये तो वेलोसिटी आ गई। अब मैग्नेटिक फील्ड है वो है इनसाइड या आउटसाइड, आउटसाइड इनसाइड। ये जो क्रॉस है वो हमें इनसाइड बताता है और जो डॉट है वो हमें आउटसाइड बताती है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन है आउटसाइड। अब देखिए वेलोसिटी, ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल कीजिए। फोर्स किधर आ रहा है, अंगूठा में फोर्स दिखा रहा है, फोर्स किधर आ रहा है, मेरी तरफ। इधर लगा फोर्स इस पर, तो ये इधर इस पर फोर्स लगा रहा है कि तू दूर जा, और ये इस पर लगा रहा है कि तू दूर जा। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। अब देखिए जो इनका जो स्टेटमेंट है वो किस तरह होता है कि दो सीधे व समांतर, देखिए दो सीधे हैं समांतर है कि दो सीधे व समांतर धारावाही चालकों चालक तारों में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा समान है। जब हम फर्स्ट केस लिखा था कि जब डायरेक्शन की जो करंट है उसकी डायरेक्शन सेम है, तो जो वहाँ पर होगा उनके मध्य अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। कौन सा अट्रैक्शन, क्योंकि देख रहे थे ये इस पर अट्रैक्शन इधर लग रहा फोर्स, वो उस पर इधर लगा रहा। लेकिन जब दो जो सीधे व समांतर हैं, सीधे हैं स्ट्रेट है और जो पैरेलल है, उनमें यदि जो धारा की दिशा विपरीत हो जाती, ये केस विपरीत होगी, तो ये फोर्स जो फर्स्ट वायर है सेकंड वायर पर फोर्स लगा रहा तू इधर जा, ये कह रहा तू इधर जा। अब देखिए होता क्या कि दिशा विपरीत है तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता। अब देख लीजिए, देख लीजिए किस तरह प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा। तो ये था कि जब दो आपके पास दो चालक तार हो और जब आप उनमें धारा की दिशा सेम हो तो उनके मध्य अट्रैक्शन फोर्स लगता है, लेकिन जब डायरेक्शन ऑफ द करंट विपरीत होगी तो उनके मध्य रिपल्सिव फोर्स काम करता है। तो किस तरह काम करता है ये आपने इस वीडियो में देख लिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।